सामने आया कैलिफोर्निया हमले का पाकिस्तान कनेक्शन। हमला करने वाले दंपत्ति रिजवान और तशफीन निकले पाकिस्तानी नागरिक। खुफिया एजेंसियों का खुलासा, सोशल साइट्स पर चरमपंथियों से जुड़ा था रिजवान। आतंक के खिलाफ फ्रांस ने तेज की जंग। जिहादी प्रचार के शक में कुछ मस्जिदों में छापेमारी। बगैर लाइसेंस वाले 160 मस्जिदों पर लगेगा ताला। इमरजेंसी बढ़ाने के लिए संविधान में बदलाव की तैयारी। रात के वक्त चेन्नई में नहीं हुई बारिश, लेकिन खतरा बरकरार। अब तक 9000 लोग सुरक्षित निकाले गए। कई इलाकों में पानी कम होने से लोगों ने ली राहत की सांस। दिल्ली में 400% बढ़ेगा विधायकों का वेतन। विधानसभा में प्रस्ताव पास, हर महीने 2,35,000 रुपए होगी सैलरी। एशिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल 21 जनवरी से जयपुर में शुरू होगा। फेस्टिवल की तारीख की विधिवत घोषणा दिल्ली में की गई। ब्यावर में जी राजस्थान न्यूज की खबर का हुआ असर। मुहिम रंग लाई, बेगुनाहों को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों ने जी राजस्थान न्यूज का किया धन्यवाद। बारा के पास एनएच 27 पर बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में बुजुर्ग की मौत, अंडों से भरा ट्रक भी पलटा। नैनीताल में जंगली जानवरों से फसल बचाने का किसानों ने निकाला तोड़। रात के वक्त तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाने से मिला किसानों को फायदा। माउंट आबू में जबरदस्त ठंड, पारा गिरकर 4 डिग्री तक पहुंचा। टूरिस्ट पॉइंट्स पर सैलानियों की उमड़ी भीड़। मुंबई में एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए पहुंचे एक्टर फरहान अख्तर और श्रद्धा कपूर। फरहान ने रॉक ऑन वाले लुक में किया वॉक, तो श्रद्धा ने की पेंटिंग।